वेलकम टू myacads.com। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ओके, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो मान लेते हैं हमारे दो नंबर्स कौन कौन से हैं। एक नंबर मेरा x है और एक नंबर मेरा y नंबर है, और जो x है वो मेरा स्मॉलर नंबर है और ये मेरा लार्जर नंबर है। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180, मतलब y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अगर लूँ तो वो 180 के बराबर होगा। और वो बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्क्वायर द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, और वो किसके बराबर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्या बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है मेरा x, उसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर के बराबर, इज इक्वल्स टू क्या है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 इंटू वाई, वाई क्या है मेरा लार्जर नंबर, तो एक्स स्क्वायर मेरा 8y के बराबर है। तो ये मेरी एक इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरी वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8y इक्वल टू 180। हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो x है वो मेरा y के बराबर है, तो a मेरा हो जाएगा 1, b हो गया मेरा माइनस 8 और c हो गया माइनस 180। इसका सॉल्यूशन मुझे मिलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब पहले मैं रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालूंगा। रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी मेरा है माइनस 8 के बराबर, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 180। ये हो जाएगा 8 का 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 180, 4 0 0 8 32 2 या 3 4 7 20, ये हो जाएगा 784 के बराबर, ये होता है 28 के बराबर। अब मेरी वैल्यू क्या थी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे बाकी वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस ये हो गया, बी की वैल्यू हो गई माइनस 8 प्लस माइनस, और रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कितना निकाला 28 के बराबर अपॉन 2, और ए है मेरा 1 के बराबर। तो ये है मेरा वाई, वाई की दो वैल्यू निकलेंगी, एक हो जाएगी 8 प्लस 28 बाई 2 और दूसरी हो जाएगी 8 माइनस 28 बाई 2, ये हो जाएगा 28 प्लस 8 36 बाई 2 मतलब 118 हो गई, और ये हो जाएगा माइनस 20 बाई 2 माइनस 10। तो y की मेरी दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 18, एक आ रही है माइनस 10। अब हम देखते हैं कि मेरा एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर था मेरा 8y के बराबर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 8y के बराबर। अब ये देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि ये जो मेरा एक्स स्क्वायर है एक पॉजिटिव टर्म है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो ये एक पॉजिटिव है, 8 क्या है, एक पॉजिटिव है, तो y क्या होगा, y भी एक पॉजिटिव टर्म ही होगी, y जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता y, हमेशा y भी पॉजिटिव ही होगा, ओके सो मैं y की ये वैल्यू नहीं ले सकता, तो y की a की वैल्यू होगी 18, ओके अब x स्क्वायर मेरा है 8 y के बराबर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू वाई, वाई होता है 18, ये हो गया 144, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144 के बराबर, तो इसका मैं जब स्क्वायर रूट लूँगा तो x की वैल्यू प्लस 12 हो जाएगी या माइनस 12 हो जाएगी, तो x की मेरी दो वैल्यू है प्लस 12 और माइनस 12, और y की एक ही वैल्यू है 18, तो मेरे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक मेरा होगा 12 या 18 x और y की वैल्यू, या दूसरी वैल्यू होगी x की माइनस 12 और इसका 18, तो ये मेरे इसका आंसर है। प्लीज गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, थैंक यू।